जम्मू कश्मीर यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन का जो कठुआ के अंदर आज विरोध प्रदर्शन है, वो मुख्य तौर के ऊपर जो जम्मू कश्मीर सरकार का स्कूली एजुकेशन डिपार्टमेंट का एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव है, उसको लेके है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार का जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव था, वो लेक्चरर की ट्रांसफ़रों के साथ ही ख़त्म हो गया, जबकि टीचर्स का और मास्टर्स का ट्रांसफ़र जो है वो इस एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव के अंदर नहीं हो पाया, जिसके तहत जो टीचर्स और मास्टर पिछले 6-6 सालों से दूर दराज इलाकों के अंदर काम कर रहे हैं, वो आज भी दूर दराज इलाकों के अंदर है, उनको एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव का कोई बेनिफिट जो है वो नहीं मिला है। आज यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन मांग करती है कि उस एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव को मुकम्मल तरीके से लागू किया जाए और टीचर्स और मास्टर के जो तबादले हैं वो जल्द से जल्द किया जाए। दूसरा, आज जम्मू कश्मीर यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन, जो हमारा पनामा चौक में हमारे साथी टीचर्स जो है कश्मीर बेस्ड टीचर जो वहाँ पे पिछले 180 दिनों से हड़ताल के ऊपर हैं, हम एलजी साहब से इल्तजा करती है यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन कि उनके लिए जो कमेटी मुकतरब की गई है उसका जल्द से जल्द रिपोर्ट जो है वो शाया किया जाए, ताकि उनको जो रिलीफ है जो मिल सके। और मुझे इस बात को कहने में अभी भी तो हम ये चाहते हैं कि जो कश्मीर बेस्ड टीचर्स हैं उनको उस टारगेटेड किलिंग के माहौल से बाहर निकाल के उनका जम्मू के अंदर, जब तक कि वो डिसाइड नहीं होता, उनको जम्मू के अंदर ट्रांसफ़र करके उनकी जो सर्विसेज हैं वो ली जाएं। हम जम्मू कश्मीर यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन आज ये भी मांग करती है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो पिछले 8 सालों से डिपार्टमेंटल प्रमोशन DPC होना चाहिए था, जिसे एक लाइब्रेरियन ने उसको प्रमोशन मिलना था, टीचर से मास्टर प्रमोशन मिलना था, लेबोरेटरी असिस्टेंट ने टीचर मिलना था, टीचर बनना था, पड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो जल्द से जल्द DPC को मुनक्कद करे और उसका जो बेनिफिट जो है वो टीचर्स को जो है वो दिया जाए। लाइकवाइज यहाँ रेगुलराइजेशन के लिए अभी लेक्चरर भी इंतज़ार कर रहे हैं, हेडमास्टर्स भी इंतज़ार कर रहे हैं, प्रिंसिपल भी इंतज़ार कर रहे हैं, चीफ एजुकेशन अफसर भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम इस चाहते हैं कि इसका रेगुलराइजेशन भी हो जाए। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस महकमे के अंदर ना ट्रांसफ़रें हो रही हों, ना प्रमोशनें हो रही हों, ना फंडिंग हो रही हो, और उसमें हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक पसमानदा रियासत में एक बेहतर तालीमी निज़ाम जो है वो दिया जा रहा है। हमारी LG साहब से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जनाब आलोक कुमार जी से गुजारिश है कि इस पसमानदा रियासत के छोटी दुनिया के लिए, इन छोटे बच्चों के लिए बेहतर पॉलिसियाँ जो है वो लाई जाएँ और टीचर्स को रिलीफ दिया जाए। ये कोई जहाँ ये हम एक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, 180 दिन तक जब टीचर हड़ताल करेगा तो अल्टीमेटली उसका नुकसान जो है वो बच्चों को होता है। तो हम सरकार को कहते हैं कि जल्द से जल्द जो कश्मीर बेस्ड टीचर्स हैं उनका मांग को सुन के उनका हल किया जाए और उनको एक बेहतर निज़ाम दिया जाए और उनको ट्रांसफ़र करके सूटेबल एक सिक्योर जोन के अंदर उनसे काम लिया जाए। जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू हुआ है कि जो जहाँ लोग 40 साल नौकरियाँ करके रिटायर हो रहे हैं, उनको ना तो उनका GP फंड वक्त के ऊपर दिया जा रहा है, ना उनका ग्रेजुएटी वक्त के ऊपर दिया जा रहा है, ना जो कम्यूट है उनको वक्त के ऊपर मिल रहा है। हम चिंता कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा पसमंजर पहले नहीं था,
पहले जब एक मुलाजिम जो था या टीचर जो था वो वक्त के ऊपर जब अपना रिटायर होता था उसको ये तमाम बेनिफिट जो थे वो जल्द से जल्द मिलते थे, परंतु अब ऐसे सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर बन गए हैं जिससे जो उनके एम्प्लाइज और टीचर्स के जो बेनिफिट हैं वो छः छः महीने आठ आठ महीने के लिए डिले हो रहे हैं। हम इस बात की सख्त मजम्मत करते हैं।